हेलो नमस्ते सलाम, मैं कोलकाता से आपका दोस्त मिस्टर यूट्यूबर और आज मैं आपको बताने वाला हूँ विक्टोरिया मेमोरियल के बारे में सात अननोन फैक्ट्स जिसे सुनकर आप भी चौंक जाओगे। तो वीडियो पूरा देखते रहना। सबसे पहले टिकट काउंटर पहुंचो। फॉरेनर्स के लिए टिकट प्राइस है ₹500। इंडियंस के लिए अगर गार्डन घूमना है ₹20। गार्डन और म्यूजियम दोनों देखना है तो ₹30। एक छोटे से सिक्योरिटी चेक के बाद आप प्रवेश कर जाओगे विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर। चलो शुभारंभ करते हैं। फैक्ट नंबर वन, टोटल एरिया के मामले में ताजमहल से कई गुना बड़ा है विक्टोरिया मेमोरियल। क्यों, शौक लगा? ताजमहल का टोटल कंपाउंड एरिया फैला हुआ है 42 एकर्स में, और अगर बात की जाए विक्टोरिया मेमोरियल की तो इसका टोटल कंपाउंड एरिया है 64 एकर्स का। तो इसी बात पे लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। कोलकाता के लोग ग्रुप फोटोज या फिर सेल्फीज के दीवाने हैं। विक्टोरिया मेमोरियल में घुसते ही आपको चारों तरफ लोग दिखेंगे, या तो फोटो खींचते हुए या फिर खिंचवाते हुए। फैक्ट नंबर टू, विक्टोरिया मेमोरियल बनने से पहले इसी जगह पे प्रेसिडेंसी जेल थी। जेल को अलीपुर में स्थानांतरित किया गया, उसके बाद यहाँ के जेल कंपाउंड को पूरी तरीके से तोड़ के बनाया गया विक्टोरिया मेमोरियल। फैक्ट नंबर थ्री, विक्टोरिया मेमोरियल सफेद मकराना मार्बल से बना है, वही मार्बल जिससे बना है हमारा ताजमहल। ये मार्बल स्पेशली पाया जाता है राजस्थान के जोधपुर शहर में, शायद इसी कारण से विक्टोरिया मेमोरियल को ताज ऑफ द राज कहा जाता है। फैक्ट नंबर फोर, पूरे विक्टोरिया मेमोरियल के स्ट्रक्चर को गाय के गोबर से ढक दिया गया था। वर्ल्ड वॉर टू के वक्त जापानीज आर्मी कोलकाता के बहुत ही ज्यादा करीब आ गई थी। इनफैक्ट ऑन December 20th, 1942 जापानीज बॉम्ब्ड कोलकाता, उस वक्त इसे कलकत्ते के नाम से जाना जाता था। इस खूबसूरत इमारत को जापानीज एयर स्ट्राइक से बचाने के लिए रातों रात इसे गाय के गोबर से ढक दिया गया था। फैक्ट नंबर फाइव, विक्टोरिया मेमोरियल का ह्यूमंगस बजट। विक्टोरिया मेमोरियल के डिजाइनर है विलियम एमर्सन। 1906 से लेकर 1921 तक विक्टोरिया मेमोरियल को बनाया गया और इसे बनाने में कुल खर्चा आया ₹1,05,00,000। क्या आप सोच सकते हो 1920 में ये कितना बड़ा अमाउंट था? फैक्ट नंबर सिक्स, विक्टोरिया मेमोरियल का आर्किटेक्चर। विक्टोरिया मेमोरियल का डिजाइन इंडो सारासेनिक रिवाइवलिस्ट शैली में है, जिसमें वेनिस, मिस्र, दक्कनी वास्तुशिल्प प्रभावों के साथ ब्रिटिश और मुगल तत्वों के उपयोग का रन किया गया है। तो चलो अब ऊपर चलते हैं और देखते हैं ऊपर के गैलरीज में क्या क्या देखने लायक है। ऊपर जाके विक्टोरिया मेमोरियल का खूबसूरत गार्डन व्यू को एंजॉय करो, या फिर दीदार करो एंटीक पिस्टल्स, रिवॉल्वर्स और राइफल्स का। ये जगह आपको सीधा जोड़ती है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस से लेके इंडिया इंडिपेंडेंस तक। अलग अलग बॉम्ब से लेके हिस्टोरिकल आर्टिकल्स आपको यहाँ सब कुछ देखने मिलेगा। और यही है हमारा फैक्ट नंबर सेवन, 35,000 से भी ज्यादा हिस्टोरिकल आर्टिकल्स, आइटम्स, कुछ भी कह लो, आपको इस म्यूजियम में देखने को मिलेगा। म्यूजियम घूमते घूमते मेरी नजर पड़ी इस फ्लैग में। इस फ्लैग को तो आपने SS राजामौली के फिल्म RRR में देखा ही होगा। आजादी के बहुत पहले ये था हम लोगों का नेशनल फ्लैग। तो ये था मेरा वीडियो 7 अननोन फैक्ट्स अबाउट विक्टोरिया मेमोरियल। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो जबरदस्त लगा। अगर लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ इस फैमिली से। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना और मेरे वीडियोस देखते रहना दोस्तों।